मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था। मेरे मामा के लड़के के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। उनकी पड़ोस के घर की छत पर पीने पिलाने की दावत चल रही थी। भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लेने भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहार की मना थी, इसलिए हमें ये काम चुपके से करना था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। वापस आते समय घर से करीब 1 किलोमीटर पहले हमारी बाइक खराब हो गई। काफी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुई। हम बाइक को खींचते हुए लाने लगे। कुछ ही दूरी पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह हमारे पास आया और कहने लगा, थोड़ा मीट दे दो। हमें पहले से ही गुस्सा आ रहा था, उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने खाया है कभी मीट? चल भाग यहां से। आदमी ने फिर से मीट मांगा, मगर हमने उसे धमकाकर भगा दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया और नाच गाने वाले कमरे में आ गए। वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था। सब लोग दुल्हन को घेरे खड़े थे। दुल्हन अजीब सी हरकतें कर रही थी और कह रही थी, मुझे मीट खाना है। दीदी ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। सबको समझ आ रहा था कि यह भूत प्रेत का चक्कर है। मामा ने दीदी को जोर से 2 थप्पड़ मारे। दीदी ठीक हो गई, मगर मामी अजीब सी हरकतें करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर लग जाता। सब भूत को समझाने लगे कि इस घर के लोग मांस मछली छूते तक नहीं है। तब भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगाया है और मेरे मांगने पर मुझे नहीं दिया। ये सुनकर कुछ कुछ बातें मेरे समझ में आने लगी। मैं भागकर भाई के पास गया और घर और रास्ते पर हुई घटना के बारे में बताया। भाई ने वहां से मीट का एक टुकड़ा उठाया और चल दिया। उस समय भूत दीदी पर लगा हुआ था। भाई ने मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। तब जाकर दीदी शांत हुई। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया और सब अपने अपने काम में लग गए, मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वह भाई पर गुस्सा थे। तो दोस्तों, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल नंबर पर आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, आपकी मर्जी। धन्यवाद।